कांग्रेस को एक बड़ा झटका, सिद्धू नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अपने आपत्तिजनक बयानों, तुकबंदी और जुमलों से चुनावी मौसम को गर्माए कांग्रेस नेता और पंजाब कैबिनेट में मंत्री लवजोत सिंह सिद्धू का गला खराब हो गया है। उन्हें दवाई दी गई है और इंजेक्शन भी लगाया गया है। डॉक्टर निरंतर उनके स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे हैं। गला ठीक होने तक अब सिद्धू चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। सिद्धू के दफ्तर के अनुसार लगातार भाषण देने से सिद्धू के वोकल कोड को नुकसान हुआ है। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो जल्द ही फिर से चुनाव प्रचार करेंगे। उल्लेखनीय है कि सिद्धू पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सिद्धू ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीते दिनों इंदौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना ऐसी दुल्हन से कर दी थी जो काम कम करती है और चूड़ियां अधिक खनखनाती है। उनकी जनता से काले अंग्रेज को सत्ता से बेदखल करने की भी अपील की थी। सिद्धू ने कहा कि मोदी जी उस दुल्हन की तरह है जो रोटियां कम बेलती हैं और चूड़ियां ज्यादा खनखनाती हैं, ताकि मोहल्लों वालों को ये पता चले कि वो काम कर रही हैं। बस ये हुआ है मोदी सरकार में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।